नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना और संजना की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं रायता। ये बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं रायते की रेसिपी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं रायते की रेसिपी। तो रायता बनाने के लिए हमने लिए हैं दो खीरा, इसे हमने छील लिया है, दो टमाटर और तीन प्याज, इसे हमने छील कर अच्छे से धो लिया है। तो चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। से बारीक, एकदम पतला पतला काटना है। इसे हम फाइनली चॉप करेंगे। ये हमने खीरा को काट लिया है, अब हम टमाटर को काट लेंगे इसी तरह से। टमाटर को भी बारीक काटना है। तो ये देखिए, हमने टमाटर काट लिया है, इसी तरह से हम प्याज भी काट लेंगे। प्याज को भी एकदम बारीक काटना है। ये देखिए, हमने खीरा, टमाटर और प्याज सबको काट लिया है। अब चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसे इन सबको अब हम एक बाउल में डाल देते हैं। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। इसमें हम 4-5 हरी मिर्च भी काट के डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, इसे हमने पहले ही भूनकर पीस लिया था, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। दही हमने 250 ग्राम लिया है। अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। तो रायता बन के रेडी है। इसे सर्व करने से पहले हम फ्रिज में डाल देंगे, क्योंकि गर्मियों में ठंडा ठंडा रायता खाना बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप सर्व कीजिए पूरी, पुलाव या बिरयानी के साथ। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।